इलेक्शन ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला, बलूचिस्तान अवामी पार्टी को झटका। अब्दुल रहमान केथरान और अकबर आसकानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन मौतल। PB-8 बारखान और PB-48 में दोबारा पोलिंग का हुक्म। बलूचिस्तान हाईकोर्ट में कायम इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल में इंतखाबी उजरदारियों की समाअत जस्टिस नजीर अहमद लांगू पर मुश्तमिल बेंच ने की। समाअत के दौरान फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने सरदार अब्दुल रहमान और अकबर आसकानी के हलकों पर दोबारा पोलिंग कराने का हुक्म दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन को दोनों की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का भी हुक्म दिया। अब्दुल रहमान केथरान के खिलाफ नेशनल पार्टी के अब्दुल करीम केथरान ने इंतखाबी उजरदारी दायर की थी, जबकि अकबर आसकानी के खिलाफ इंतखाबी उजरदारी असगर रिंद ने दायर कर रखी थी। सरदार अब्दुल रहमान केथरान सूबाई असेंबली के हलका PB-8 बारखान और अकबर आसकानी सूबाई असेंबली के हलका PP-48 से कामयाब हुए थे। सरदार अब्दुल रहमान केथरान और अकबर आसकानी का ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है। फरीकैन की जानिब से इंतखाबात 2018 के दौरान धांधली का इल्जाम आयद किया गया था।